महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण पर शिवसेना ने निशाना साधा है और शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा गया है और कहा गया है कि ये बेशर्मी की राजनीति है। तो सामना में बीजेपी पर निशाना और बेशर्मी की राजनीति से करार दिया है। कहा है कि रात के अंधेरे में लोकतंत्र की हत्या की गई है, शरद पवार के साथ धोखा किया गया है, सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी बीजेपी और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत नहीं होगी। तो ये तमाम बातें सामना में की गई है, सामना के संपादकीय में की गई है और कहा है कि ये फिजिकल स्ट्राइक का हिसाब महाराष्ट्र लेकर रहेगा। तो जो कुछ कल हुआ है उसको लेकर यहां पर ही पूरे अपने मुखपत्र सामना में संपादकीय के जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश शिवसेना ने की है और इस मुखपत्र के जरिए कहा गया है कि जो ये सब हुआ है, धोखा किया गया है एनसीपी के साथ और ये बेशर्मी की राजनीति है, रात के अंधेरे में लोकतंत्र की हत्या की गई है, शरद पवार के साथ धोखा किया गया है। तो सामना का ये आपको संपादकीय पेज भी हम यहां पर दिखा रहे हैं और इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से अगर पूरे पेपर पर यहां पर नजर डाले तो हर जगह टैगलाइन के साथ यहां पर वार किए गए हैं बीजेपी पर, जहां पर बताया है कि रात के अंधेरे में लोकतंत्र की हत्या की गई, तीन विधायकों के साथ फंस गए अजीत पवार और वहीं ये फिजिकल स्ट्राइक है जो बीजेपी की तरफ से की गई है। तो इस संपादकीय के जरिए यहां पर निशाना एक बार फिर से बीजेपी पर साधा गया है और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी एनसीपी और शिवसेना के जरिए, उस पर इस पूरे घटनाक्रम को फिजिकल स्ट्राइक बतलाया गया।